आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऐड मूसेंट सब्सक्राइबर्स फ्रॉम न्यू फेसबुक लीड एड्स लीड्स सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक लीड एड्स के द्वारा जो न्यू लीड जनरेट हो रही है उन लीड को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करवा सकते हो अपने मूसैंक के एप्लीकेशन में इसके लिए आपको ऑटोमेट करना होगा फेसबुक लीड एड्स को मूसेंग से दैन क्या होगा जब भी न्यू लीड जनरेट होगी ऑटोमेटिकली वो लीड एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगी मूसेंग में कैसे करना है इस ऑटोमेशन को सेट प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में ओके okay, सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी ए डबल बी एल वाई पैबली डॉट कॉम सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ दट साइड मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद क्रिएट वर्क पे पर क्लिक करूंगा और अपने वर्क को एक नाम दे दूंगा मैं नाम दे देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू फेसबुक लीड एड्स टू मूसन ओके मैंने नाम दे दिया है फेसबुक लीड एट टू मूवसेंट आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का आपको जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में वो भी एकदम फ्री में वर्क फ्लो को नाम दिया मेरे सामने दो विंडोज आ गई ट्रिगर और एक्शन की दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में ट्रिगर मीन्स वैन दिस हैपन्स जब भी ऐसा हो एक्शन मीन्स डू दिस ऐसा कर दो टॉपिक क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक लीडेट के द्वारा जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली वो एज अ कॉन्टैक्ट एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए मेरे मुंह सेंग में ओके सो so ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज़ करना होगा सबसे पहले फेसबुक एड्स को चूज कर करेंगे, करेंगे connect जैसा okay? so कि आप देख रहे हैं ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और साथ ही साथ कनेक्टेड है मेरा फेसबुक अब यहाँ से हमें हमारा पेज सेलेक्ट कर लेना है तो मेरे पेज का नाम है ए जैड न्यूट्री शॉप ओके okay? इस पेज इस के अंदर एक फॉर्म इन बिल्ड है मैं चाहता हूँ उसको जब भी कोई फिल करे तो ऐसा कांटेक्ट क्रिएट हो जाए मूव साइड में तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ए जेड न्यूट्री शॉप चूज कर लिया सर्च करके तो उसके अंदर एक ही पेज मौजूद है हो जाएगा जिसका नाम है चॉकलेट एंड कैंडी प्रॉशर फॉर्म है ना अब हमें क्लिक करना है सेवन सेंट टस्ट रिक्वेस्ट पे तो जैसे ही हम सेवन सेंट टस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे शो होने लगेगा वेटिंग फॉर वैबुक रिस्पॉन्स ओके तो यहाँ पे हमने जो है चूज कर लिया इसको अब मैं आपको एक छोटा सा सजेशन और दूंगा कनेक्शन से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो लॉग इन ओके है ना और दूसरी बात अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं कैसे क्या करना है फिर भी समझ में नहीं आता है तो लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट्स के द्वारा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है ओके okay? सिंपल नीचे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा फेसबुक लीड एड टेस्टिंग टूल का तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा है ना लीड एड्स टेस्टिंग टूल नाम करके ओके okay? तो आपको ये पेज जो है ओपन कर लेना है देन पैबली कनेक्ट पर वापस आना है तो अभी आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया है लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है अब आपको एक टेस्ट करना है टेस्ट करना है फॉर्म सबमिट करवा के है ना एज अ यूज़र आपको जाना है वहाँ पे फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे आके चेक करना है कि उस फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स यहाँ पे रिसीव होती हैं या नहीं तो मैं आ गया यहाँ पे टेस्टिंग टूल पे पेज सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले तो अपना तो मेरे पेज का नाम है न्यूट्री शॉप एजैट सेलेक्ट कर लिया देन जो उसके अंदर फॉर्म था वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है प्रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करूँगा ओके प्रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक बार मैं उस फॉर्म को फिल कर चुका हूँ दैट्स मुझे यहाँ पे एक बार इसको जो है डिलीट करना होगा एक सेकंड दीजिएगा मुझे दो मिनट में मैं डिलीट कर दूंगा ओके है ना लीड जो पहले से उसमें एडिड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो ये सक्सेसफुली डिलीट हो गई अब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं तो अब हमें प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है जैसे हम प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा इसी तरह से यूज़र को फॉर्म दिखेगा अब मान लीजिए मैं कोई जो है टेस्ट यूज़र नाम का इंसान हूँ और मेरा ई एड्रेस है टेस्ट ट्यूट्स डॉट कॉम ओके ये मेरा ई मेल एड्रेस है सिंपल तो मैंने यहाँ पे ये ई मेल एड्रेस एड कर दिया अपना सक्सेसफुली उसके बाद यहाँ पर मुझसे ये नीचे क्या मांग रहा है मुझसे ये मांग रहा है नाम फुल नाम ओके okay? तो यहाँ पर मैं फुल नेम ऐड कर देता हूँ अपना टेस्ट यूजर ओके ये मैंने ऐड कर दिया देन फोन नंबर अपना यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नाइन ठीक है मैंने फोन नंबर ऐड कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक करके इस फॉर्म को मैं सबमिट कर देता हूँ अब जाके हम चेक करते हैं फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड डिटेल्स अपने पास कैप्चर की या नहीं तो अभी तक तो मेरे सामने कोई डिटेल्स नहीं आई है लेकिन तुरंत जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार से पांच सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और जो ई मैंने ऐड किया था जो फुल नेम ऐड किया था जो नंबर ऐड किया था सेम टू सेम सब कुछ मेरे सामने है मीन्स कनेक्शन एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है फेसबुक लीड लीडाइड और पैबली कनेक्ट के बीच में अब जब भी मेरे फेसबुक लीड लीडाइड से कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो इसी तरह से पैबली कनेक्ट इंस्टेंटली तुरंत उस उसकी डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर लेगा अब मैं चाहता हूं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है जो न्यू लीड है जिनका नाम टेस्ट यूजर है वो एज अ कॉन्टैक्ट एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए मेरे मूसंक के एप्लीकेशन में तो ऐसा करवाने के लिए नीचे आना होगा एक्शन एप्लीकेशन में चूज करना होगा मूसंक सर्च किया चूज कर लिया मूसेंट को देन उसके बाद एक्शन इवेंट में हम चूज करेंगे ऐड न्यू सब्सक्राइबर को क्लिक करेंगे कनेक्ट पे देन एड न्यू कनेक्शन पे एक न्यू कनेक्शन के लिए ए की चाहिए एपीआई की के लिए चलना होगा मूसेंट के अकाउंट पे क्लिक करना होगा प्रोफाइल आइकन पे देन यहां पे ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ए की का ऑप्शन आएगा क्लिक करेंगे उस पर और यहाँ से ए की कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद पैबली कनेक्ट के पास चलेंगे वापस और ए की वाली फील्ड पर पे पे पेस्ट करके जस्ट क्लिक कर देंगे सेव पे और हमारा कनेक्शन हो जाएगा दैन यहाँ से मेलिंग लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे जिसको भी आप एज आ सब्सक्राइबर ऐड करवा रहे हैं उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस बस आपको ऐड करना है तो दोनों चीज़ें हमें ऊपर मिल चुकी हैं ये रहा फुल नेम और ये रहा ईमेल एड्रेस तो इन दोनों जो इन दोनों ब्लैंक इन दोनों को इन ब्लैंक फील्ड में ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं मैपिंग मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं मैं आपको करके बताता हूँ आपको जस्ट क्लिक करना होता है ब्लैंक फील्ड पे नीचे ऑप्शन आता है आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का क्लिक कीजिए उस पर सारा डेटा ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर का नाम फाइंड करना है ये रहा टेस्ट यूज़र क्लिक करके मैप कर देना है इसी तरह से आपको ई एड्रेस भी मैप कर देना है येरा ई मेल एड्रेस क्लिक करके मैप कर दिया ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई न्यू पर्सन आकर

सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा किस में मेरे मूसइ के अंदर यहाँ पे मैं भी आपको अपनी ऑडियंस लिस्ट ईमेल लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूं है ना कितने सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं है ना तो केवल दो सब्सक्राइबर्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है एक डेमो नेम है एक है डेमो यूजर है ना कोई भी टेस्ट यूजर नाम का सब्सक्राइबर नहीं है तो अभी मैंने क्लिक किया सेवन साइंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे तुरंत रिस्पॉन्स रिसिव्ड हो गया एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स चल के चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक और सब्स सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा टेस्ट यूजर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टेस्ट यूजर के नाम से एक और सब्सक्राइबर ऐड हो गया है जिसका ई एड्रेस है टेस्ट तो इस आ, सब्सक्राइबर की प्रजेंस बता रही है कि ऑटोमेशन हमारा सेट हो गया हमें वापस आके जस्ट सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये पूरी प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होगी क्या होगा ऑटोमेटिकली अब जब भी हमारे फेसबुक लीड एट के द्वारा कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली वो लीड एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगी हमारे मुँहसेंट के अकाउंट में बिना मेरी और आपकी इन्वॉल्वमेंट के और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस खुद ब खुद चलती रहेगी तो ना सिर्फ इन अपल्लीकेशन को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का आपको जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में वो भी एकदम फ्री में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है यहां पे आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं सेकेंड थिंग अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पर जाके चेक कीजिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा थैंक यू